गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने न्याय लेसन समझ लिया, उसका अभ्यास भी कर लिया। अभी हम करने वाले हैं उसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? आंसर, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरों का पता चला। सेकंड, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? आंसर, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। थर्ड, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? आंसर, खलीफा ने हसन को दरबार में अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया। फोर्थ, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? आंसर, तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वाजिद घबराया। फिफ्थ, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? आंसर, तेलियों ने तेल को देखकर, सुनकर और चखकर सच्चा निर्णय किया। सिक्स, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? आंसर, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर टू, कौन किससे कहता है वह बताइए। फर्स्ट, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। सेकंड, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए, वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। थर्ड, आप काजी की अदालत में जाइए, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। फोर्थ, आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन तेलियों से कहता है। फिफ्थ, जूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 15 आनंद निवास, कालबा देवी रोड, मालिया हाटिना, 36-22-45, 20 जनवरी 2021। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी भी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है।
उसने हम सब का मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना, शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। क्वेश्चन 3 में ख यानी कि दूसरा, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो, तो उस घटना को विस्तार से लिखे। यहाँ जो मैं लिख रही हूँ वो भी आप लिख सकते हो, और आपके साथ कोई ऐसी घटना बनी है तो आप वह भी लिख सकते हो। एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 का नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 के 2 नोट अर्थात 20 हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से 1 10 का नोट निकाल कर कुल्फी वाले को दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो उसमें से नोट न निकला। उसे लगा कि उसका 10 का नोट मैंने ले लिया है। वह बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से मिनल के पैसे भी दे दिए। मैंने यह बात माँ को कही कि मिनल ने 10 रुपये कहीं गिरा दिए और अब वह मुझे झूठा कह रही है। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था। अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। क्वेश्चन 3 में ग, कहानी की प्रमुख घटना का इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी आपको यहाँ दिखाई दे। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोनों की मोहरे इकट्ठा होना, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना, घड़े को वाजिद के यहाँ रखना, मक्का जाना, जरूरत पड़ने पर वाजिद का घड़े से तेल निकालना, वाजिद का मोहरे चुराना, अली ख्वाजा का यात्रा से आना, ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का भेष बदल कर नगर में निकलना, हसन का मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना, अली ख्वाजा को मोहरे, वाजिद को सजा, हसन को इनाम मिलना। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ जो चित्र दिए हैं और कहानी दी है उनको सही क्रम में लिखकर कहानी बनानी है और उसका शीर्षक लिखना है। यहाँ ये कहानी है वह आड़ी टेढ़ी दी है। इस चित्रों को देखो, फिर यहाँ देखो, ये चित्र है वह सही क्रम में दिए। अब इसके ऊपर से हम कहानी बना दें। तो कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा।
उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर 5। वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? अभी फर्स्ट, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई? सेकंड, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो भौंक रहे थे। कुत्ते कब भौंक रहे थे? थर्ड, वह पटाखे देख रहा है, तो देख रहा है। वह क्या देख रहा है? फोर्थ, वेदांत किताब पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था। कौन किताब पढ़ रहा था? फिफ्थ, पता नहीं, तन्मय मेरे पास से चला गया, तो चला गया। तन्मय मेरे पास से कब चला गया? सिक्स, आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो उड़ रही थी। पतंग कहाँ उड़ रही थी? क्वेश्चन नंबर 6। कहानी को पढ़ो और इसमें से प्रश्न है वह बनाओ। ये जो कहानी है इनको पढ़ना है, फिर इसमें से प्रश्न बनाने हैं और उसके आंसर देने हैं। जैसे तेनानी लाम की चतुराई, तो फर्स्ट प्रश्न, सेवक से कौन सा अपराध हुआ? उत्तर, सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। सेकंड, राजा ने सेवक को क्या सजा दी? आंसर, राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। थर्ड, बाल उद्यान में क्या हो रहा था? आंसर, बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। फोर्थ, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? आंसर, न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। फिफ्थ, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? आंसर, क्योंकि उसने पहली बार यह मामूल किया था।